अपना दल का धरना प्रदर्शन, कृषि कानून को लेकर अपना दल का धरना प्रदर्शन। विधानसभा के पास प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, विधानसभा को घेरने की तैयारी में थे कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा को घेरने की तैयारी में थे कार्यकर्ता, कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच झड़प। विधानसभा जाने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर अपना दल का धरना प्रदर्शन आज किया गया है। कृषि कानून को लेकर अपना दल ने यह प्रदर्शन किया है। विधानसभा के पास प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका, जिसके बाद विधानसभा को घेरने की तैयारी में ये कार्यकर्ता थे। और ये तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं अपना दल के कार्यकर्ताओं का वो प्रदर्शन, जिसमें वो विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया है। आपको बता दें कि अपना दल के ये तमाम कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ विधानसभा के घेराव की तैयारी में थे, जिसको पुलिस ने रोक दिया है। और तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं पुलिस किस तरह से अपना दल के कार्यकर्ताओं को रोकती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मोहम्मद शफी, आपसे जानना चाहूंगी कि अपना दल के कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया है, साथ ही साथ विधानसभा का घेराव करने की भी तैयारी कर रहे थे, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि विधानसभा के पास प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बहुत देर तक रोक रखा था, जो कि कृषि कानून को लेकर अपना दल लगातार धरना प्रदर्शन कई दिनों से करने की कोशिश कर रहा, जो कि आज वो रोड पर उतर आया और धरना प्रदर्शन कर रहा। और भारी मात्रा में जो अपना दल के कार्यकर्ता थे वो विधानसभा के घेराव करने की तैयारी में थे, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद होने के कारण पुलिस ने वहां पर रोक लिया है। और काफी लोगों से धक्का मुक्की हुई, काफी जाने की कोशिश भी की विधानसभा के पास, लेकिन जो पुलिस बल था उसने पूरी तरीके से रोक रखा है। लोगों को फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार अपनी मांगों को सामने रख रहे हैं कि जिस तरीके से किसी कानून है उसको वापस लिया जाए। किसी कानून को लेकर ही आज जो अपना दल के कार्यकर्ता उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। जी इसके अलावा ये धरना प्रदर्शन कब तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है, कितना लंबा चलेगा ये धरना प्रदर्शन? फिलहाल अभी लोगों का साफ तौर से कहना है कि अभी जो धरना प्रदर्शन किया गया है, अगर अभी हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी या अगर किसी तरीके से भी जो कृषि कानून है इसको वापस नहीं लिया जाएगा तो ये प्रदर्शन और भी विकराल रूप ले सकता है, और भी हम सब जिलों में प्रदर्शन करेंगे और भी बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शन चल सकता है। जी जी, इसके अलावा ये विधानसभा के घेराव की भी तैयारी कर रहे थे, तो क्या कुछ रणनीतियां थी इनकी जिसको पुलिस ने रोक दिया है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अगर बात करें अपना दल के कार्यकर्ताओं की, आज भारी मात्रा में जो अपने दल के कार्यकर्ता थे वह मौजूद थे और लगातार जो विधानसभा को घेरने की तैयारी में थे, लेकिन भारी पुलिस बल मौजूद होने के कारण उन लोगों ने रोक कर फिलहाल अभी कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया है, पुलिस ने सबको रोक लिया है और वापस कर दिया है। जी जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, जहाँ पर अपना दल के तमाम कार्यकर्ता आज विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का बजट सत्र पेश हो चुका है, आज विधान परिषद में योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण का धन्यवाद दे रहे थे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, कानपुर से बड़ी खबर।